हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुज़ूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब व ज़रिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ऐ अल्लाह एक शेर दिया है अमीर हमज़ा, एक शेर और अता कर दे, अब तेरी मर्ज़ी उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर तैवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ, ये रोज़ का मसला ख़त्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है, गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज़ है जनाब उमर की, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला, कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तर्क कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते ख़त्ताब बोली उमर तुम ख़त्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी ख़त्ताब की बेटी हूँ, जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुसल करना होगा, उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, चौदहवीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाजल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे, तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमज़ा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था, हुजूर ने पकड़ के कहा उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का, लबों पे कलमा जारी हो गया, अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगीं। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमज़ा करते हैं, दूसरी सफ़ के आगे आगे उमर बिन ख़त्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं और ये मलकूती काफ़िला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं, आओ उमर किधर आए हो? कहा, तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन शैतान ये फिरो मिन जिल्ल उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गईं। कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत फैल जाती है। अदल व इंसाफ का दौर दौरा होता है। ज़माने ने